की चल रही है मेजर क्लीनिंग, यहाँ पे मेरे पिंपल हो गया, तो सुबह के 10 बज रहे हैं। आज हस्बैंड की छुट्टी है तो उनसे भी मैं काम करवा रही हूँ और मैं भी सुबह से लगी हुई हूँ काम करने में। और आज का वेदर काफ़ी अच्छा है, अच्छी धूप आई है तो बालकनी में ढेर सारे कपड़े भी धूप में डाले, लेकिन यहाँ पहाड़ों की जैसी धूप नहीं आती और पहाड़ों की धूप तो अलग ही होती है, एकदम तेज़ वाली लगती है। और हमारी बालकनी में ज़्यादा टाइम तक धूप आती भी नहीं है, वैसे भी 2-3 घंटे बस। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं घमासान मचा हुआ है, वो कुशन रखे हुए हैं नए वाले कुशन जो मैंने दीपावली में लिए थे यहाँ के लिए, तो मैंने अभी खोले भी नहीं है क्योंकि मेरे पास कुशन कवर नहीं है अभी, मुझे नए कुशन कवर भी लेने हैं, मैं बाद में दिखाऊंगी खोल के। फिलहाल ये विंडो क्लीन किया आज हमने, बालकनी का दरवाज़ा क्लीन किया और बेडरूम की विंडो क्लीन की। इतनी धूल मिट्टी, मैंने सुबह झाड़ू पोछा कर दिया था, अभी दोबारा झाड़ू लगाना पड़ रहा है, इतनी गंदगी हो गई थी। और वैक्यूम क्लीनर से सारे विंडो क्लीन किए, ये वैक्यूम क्लीनर से ना उसके अंदर के जो डस्ट फंसी रहती है वहाँ से निकालने में बहुत ईजी रहता है, टाइम बच जाता है और जल्दी जल्दी क्लीन हो जाता है। वो सब क्लीन किया, पर्दे इतने गंदे हो रहे हैं, काले से हो रहे हैं, वाइट कलर का पर्दा है लेकिन वो धूल मिट्टी जम के पूरा काला ही दिख रहा होगा आपको, वो चेंज करना है मुझे आज, तो मैंने नए पर्दे निकाले हैं, वो चेंज करती हूँ और उसके बाद फिर और काम निपटाने हैं। मोनी को देखो वहाँ साइकिल में बैठा हुआ है, उसको भी साइकिल में बैठने का इतना शौक हो रहा है ना आजकल, क्योंकि वहाँ क्या होता था, वहाँ भी साइकिल थी आरू की, लेकिन आरू बहुत कम बैठने देती थी, आरू मतलब अपनी साइकिल में बैठने नहीं देती थी मोनी को, कभी कभी बैठ जाते थे दोनों लोग एक साथ। और आज के दिन मैंने बहुत सारे काम सोच के रखे हुए थे कि मुझे जितना टाइम मिलेगा, मुझसे जितना हो पाएगा मैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि फिर डेली इन सब कामों के चक्कर में ना घर के जो बेसिक काम होते हैं, बेसिक क्लीनिंग, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें फिर बहुत डिले हो जाती हैं और चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता, और नोनी को फिर मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो ये प्रॉब्लम रहती है। और आज हस्बैंड तो घर पे थे, इस वजह से मैं सोची थी वो नोनी को देख लेंगे एटलीस्ट और मैं जल्दी जल्दी दूसरे काम निपटा सकूँ। तो मैंने आज भी बहुत सारे काम किए, ऑफ कैमरा भी बहुत सारी क्लीनिंग करी, तो यहाँ पे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं और नोनी अब बीच बीच में खेलता रहता है और इधर उधर भागता रहता है, तो उसको आजकल उतना प्रॉब्लम नहीं होता है उसके साथ काम करना, थोड़ा बहुत मैनेज हो रहा है आजकल। तो यहाँ पे सबसे पहले कर्टेंस लगा दिए हैं और उसके बाद मैंने बालकनी की सफाई की, यहाँ पे बहुत सारी डस्ट हो रही थी, बालकनी में बारिश वारिश हुई होगी ना तो उसकी वजह से मिट्टी हुई थी, तो वो तो वॉश कर दिया था, लेकिन जो रेलिंग होती है उसमें भी बहुत धूल जमी हुई थी, तो कपड़े डालने में भी वही होता है, कपड़े भी गंदे हो रहे थे, तो इसलिए वो भी मैंने क्लीन किया गीले कपड़े से, और उसके बाद कपड़े सुखाए और ग्लास डोर क्लीन किया, उसमें भी काफ़ी सारी धूल मिट्टी जमी हुई थी तो वो भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। और अभी हल्की सी धूप आना शुरू हुई थी तो मैंने काफ़ी सारे कपड़े भी धूप में डाले हुए थे सूखने के लिए। तो अभी 12:30 बज गए हैं और थोड़ी बहुत क्लीनिंग कंप्लीट हुई है, थोड़ा बहुत ऐसे ही फैला हुआ है, ये वाला जो सूटकेस है ये वाला, ये मैंने वॉश किया था, बाकी 2 सूटकेस और रखे हैं धोने वाले, वो भी धोने हैं, और उसके अलावा मंदिर वाला विंडो रह गया था क्लीन करना, वो क्लीन करना है, कर्टेन तो मैंने चेंज कर दिया, विंडो क्लीन करना है और मंदिर भी अच्छे से क्लीन करना है। मंदिर वाले एरिया में आप देखो, मॉर्निंग, मंदिर वाले एरिया में देखो पूरा ख़राब हो गया है सीलन की वजह से, पूरी दीवार ख़राब हो गई है, तो पता नहीं क्या होगा इसका, यहाँ पे इस घर में ये प्रॉब्लम है, सीलन बहुत रहती है इस वाले रूम में खासकर, पूरा घर तो अभी फैला ही हुआ है और मुझे लगता है इसको समेटने पूरे 1 हफ्ते लग जाएंगे। चलो चेयर पकड़ो और चलो बाहर, नोनी को नहला के रेडी कर दिया है, चोटी बना दी थी लेकिन इसने फिर वही हाल कर दिया है। मिस्टर रावत की पिछले 1 घंटे से मीटिंग ही चल रही है, वो मीटिंग में बिजी हैं, और यहाँ पे धुले हुए कपड़े रखे हैं मैंने, कुछ बालकनी में टांगे हैं बाहर, और ये आयरन करने वाले कपड़े इसमें रखे हैं, आयरन वाला पता नहीं कब आएगा, इसमें रखे हैं। और किचन क्लीन कर दिया था सुबह ही, यहाँ पे मैं बना रही हूँ बड़ी, ये मम्मी ने जो घर से दी थी ना ये वाली बड़ी, और इसमें मैंने प्याज चॉप कर दिया। ये मशीन लेने से ना मेरा बहुत फ़ायदा हो गया, और मेरा मतलब मेहनत बच जाती है, टाइम बच जाता है, और बहुत अच्छा है ये। तो खाना चढ़ा के वापस मैं अंदर वाले रूम में आ गई थी, ये वाला रूम बहुत ज़्यादा मैसी है, इसको देख देख के ना बड़ी उलझन सी हो रही थी कि जल्दी से कब ठीक ठाक हो, कब मैं मतलब नॉर्मल तरीके से इस रूम को देख पाऊँ नॉर्मल कंडीशन में। तो खाना बनने में टाइम था तो सबसे पहले मैं ये वाला सूटकेस क्लीन करूँगी जो बड़ा वाला हस्बैंड लेके गए थे घर इस बार, तो इसको मैं जस्ट वेट वाइप से क्लीन करूँगी, बहुत गंदा नहीं हुआ था, बाकी जो कपड़े वाले थे वो तो वॉश कर दिए थे, तो इसको वाइप करके मैं एक के अंदर एक करके ऊपर रख दूँगी अलमारी के ऊपर, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कुछ स्पेस नहीं है रखने के लिए, और अलमारी के आसपास का एरिया भी मैंने साफ़ कर दिया है।
4:30 बज गए अभी और हम लोग रेडी हो गए हैं मार्केट के लिए। तो मैंने तो यही वाला स्वेटर पहन लिया, साथ में जीन्स। नोनी को ये स्वेटर पहनाया है हम लोग, नया स्वेटर है। और ये स्वेटर कहाँ से आया, ये मैंने आपको दिखाया था नोनी के नामकरण में, मम्मी लेके आई थी जब देहरादून में आए थे वो लोग, तो नामकरण का गिफ्ट है। लेकिन उस टाइम पे इतना बड़ा था वो, अब जाके ये काम आ रहा है। मतलब अभी भी थोड़ा बड़े साइज़ का है, लेकिन मैं पहना देती हूँ क्योंकि 2 साल से ऐसे रखा हुआ है। तो 2 साल बाद फाइनली नोनी ने ये पहन लिया है। ये वाह, कौन लेके आया था बेटा? नानी। नानी, इसके साथ में पैजामा भी है दूसरा। तो हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, नोनी के लिए कपड़े लेने हैं क्योंकि नोनी का बर्थडे आने वाला है। आप सबको पता है 31 दिसंबर को नोनी का बर्थडे है, तो उसके बर्थडे के लिए कुछ देख के आते हैं, अगर अच्छा सा मिल जाएगा तो ले लेंगे। लास्ट ईयर भी हमने नोनी के बर्थडे के लिए 2 महीने पहले ही लेके रख लिया था, तो यहाँ भी देख के आएंगे हम लोग क्या मिलता है, कुछ अच्छा सा पार्टी वेयर टाइप का। बेटे जल्दी करो, जाना है। नोनी तैयार ही नहीं हो रहा, कपड़े ही नहीं पहन रहा यार। फिर वहां से आके बहुत सारा काम भी करना है, और मैं भी अपने लिए कुछ देख लूंगी कपड़े वगैरह। आज कितने महीनों के बाद अपनी कार में बैठने को मिला है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये नानी बहुत खुश है कार में बैठने, अपनी कार भी लेके आया है साथ में। तो हम लोग जा रहे हैं सिटाडेल मॉल। यहाँ पे ना हाफ स्लीव्स के कपड़े पहन के आ रहे हैं, और हम लोग इतने मोटे मोटे स्वेटर, तो देख के गर्मी हो रही है। और वैसे भी आज उतनी ठंड है नहीं है सच, तो मुझे लग रहा है ज़्यादा ही गर्म कपड़े पहन लिए हमने। कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, इतना ज़्यादा रश है, मैं दिखाती हूँ। ये लास्ट टाइम हम लोग वहाँ पे आए थे, वहाँ पे हमने क्या खाया था, वहाँ पे हमने बर्गर खाया था लास्ट टाइम भी। कपड़ा ही ढूंढ रहे हैं अभी तक, कहीं नहीं मिला। अब नेक्स्ट शॉप। मॉल घूम लिया है, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। काफी सारे स्टोर्स पे जाके हमने देखा नोनी के लिए कुछ अच्छा सा मिल जाए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। जिस तरह का हमें चाहिए था वो था ही नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग वापस आ गए। और आते आते काफ़ी लेट हो गया था, तो खाना बाहर से ही ऑर्डर किया था, और हमने लच्छा पराठा मंगाया था, लेकिन उन्होंने सिंपल सी रोटियाँ भेज दी, तो मजबूरी में फिर वही खानी पड़ी। तो इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं, और अभी मंडे हो गया है। वेरी गुड आफ्टरनून, आज हो गया मंडे, और सुबह से घर के काम कर रही थी मैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं सोचा अभी ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, सुबह के काम मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, और अब मुझे लंच बनाना है, और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस के लिए। आजकल मैं टिफ़िन बना के नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि काम ही इतने सारे हो जाते हैं और टाइम नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी। नोनी वहाँ पर बैठ के टीवी देख रहा है। तो आजकल इसका ऐसा है कि टीवी में राइम्स वगैरह लगा दो, गाड़ी वाड़ी लगा दो, तो बैठ जाता है, थोड़ा सा बिज़ी हो जाता है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं बैठता था टीवी के आगे, लेकिन अब थोड़ा सा बैठने लगा है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी राहत मिलती है, मैं काम कर लेती हूँ आराम से। तो अभी फ़िलहाल किचन तो क्लीन है, धुले हुए बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं, और मम्मी ने जो घी दिया था घर से, मदर इन लॉ ने, ये मैंने खाली कर दिया। इसके अलावा मेरी मम्मी ने जो दिया था घी, वो अभी ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि डब्बे खाली नहीं है मेरे पास, तो वो भी करना है। और सबसे पहले लंच बनाते हैं। लंच में आज बनाऊँगी गहद की चुड़कानी, और उसके अलावा राइस। तो सिंपल सा लंच बनाऊँगी जल्दी जल्दी वाला, क्योंकि और भी बहुत सारे काम निपटाने हैं। अभी तो बहुत दिन लगने वाले हैं मुझे घर सेट करने में, अच्छे से वो करने में, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ काम का ज़्यादा हैक्टिक नहीं ले रही हूँ, जस्ट घर की क्लीनिंग। आज भी मैंने ये वाला डोर क्लीन किया, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी मतलब सब जगह जमी हुई है अच्छे से, बहुत ज़्यादा। रैक वैक साफ़ करने हैं, कैबिनेट्स क्लीन करने हैं, विंडो क्लीन करनी है, और अलमारियाँ साफ़ करनी है, अलमारियों में कपड़े अच्छे से रखने हैं, कपड़े सुखा के रखने हैं। अभी सूटकेस भी सुखा के मैंने रखे नहीं है, 2 सूटकेस कल धोए थे, वो सुखा के रखने हैं, पैक करने हैं।
सूटकेस इतने सारे हो गए ना, हस्बैंड ने दो सूटकेस और लिए हैं नए वाले, तो वो तो कल पैक कर दिए। उसके अलावा दो तीन सूटकेस हमारे रखे हुए, बहुत सारा सामान हो गया इस बार हमारा। और मैं घर के कामों के चक्कर में बिल्कुल भी वीडियो एडिट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं सोचूँ आज लंच वगैरह बना के सबसे पहला काम मुझे यही करना है कि वीडियो एडिट करके अपलोडिंग पे लगाती हूँ। एटलीस्ट एक वीडियो तो अपलोड हो जाए मेरा, क्योंकि मैं घर जाने के बाद भी ऐसे ही हो गया था, मेरा घर में कामों के चक्कर में बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी मैं यूट्यूब को। लेकिन अब मुझे यूट्यूब पे भी प्रॉपर काम करना है, पूरा ध्यान देना है। घर जाके नहीं हो पाता है, यहाँ तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी अकेले सारी चीज़ें मैनेज करने की, लेकिन वहाँ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, घर के काम ही ख़त्म नहीं होते। तो चलिए व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। नोनी को मैंने कौन सा स्वेटर पहनाई है मैं दिखाती हूँ आपको, जो देहरादून पल्टन मार्केट से ली थी हमारी नोनी। ये देखो पल्टन मार्केट की स्वेटर पहनी है नोनी ने, लेकिन इन इतने मोटे कपड़ों की अब यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ एक स्वेटर पहनाया मैंने, और मैंने तो सिर्फ सूट पहना है गर्म वाला, और इतनी ठंड है नहीं। ये ग्लास डोर मैं क्लोज़ कर देती हूँ तो मौसम काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ का। ठीक है उतनी ठंड नहीं है, लेकिन देहरादून और पिथौरागढ़ की सर्दी मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बहुत याद आती है वहाँ की। इस टाइम पे वहाँ इतनी सर्दी हो रही है ना सुबह शाम मतलब। और आज मैं ये कॉफ़ी टेबल के साथ वाले जो स्टूल हैं ये क्लीन करूँगी, इनमें भी काफ़ी धूल मिट्टी जमी हुई थी, ये साफ़ करने हैं। और जो चेयर है ना बैम्बू वाली चेयर्स, वो भी मैंने अच्छे से क्लीन की। सूटकेस आप साइड में देख रहे होंगे, वो मैंने वॉश करके रखा था और रात को फ़ैन के नीचे रखा था, अभी अच्छे से नहीं सूखा, हल्का सा गीला है, तो एक दिन और सुखाऊंगी मैं। तो कपड़े से सूखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। फ़िलहाल नोनी यहाँ पे जितना काम मैं करती हूँ ना उतना ही डबल और बढ़ा देता है, लेकिन कोई बात नहीं, तो खेलता भी रहता है, उतना परेशान भी नहीं करता आजकल। तो उसके साथ साथ मैं काम भी कर रही हूँ और यहाँ पे स्टूल जल्दी से क्लीन करके रख लूँगी। शाम के 6 और बाहर एकदम अंधेरा हो गया और इतनी तेज़ हवा चल रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ का वेदर पता नहीं ऐसा ही रहता है हमेशा। जब देखो हवा चलती रहती है इतनी तेज़, ये देखो। और आजकल मैंने अपना क्लोथ स्टैंड इधर साइड रख दिया है, क्योंकि धूप इधर ही साइड पड़ती है, इधर साइड धूप नहीं पड़ती है, तो मैंने यहाँ से हटा दिया क्लोथ स्टैंड। और हमारे गमले पूरी तरह सूख गए थे, तो इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ मैं आजकल, अभी भी इतनी तेज़ हवा चल रही है। नोनी आप बाहर क्यों आ गए बेटा? तो मैं बनाती हूँ खाना, आओ बेटा अंदर। तो आजकल हम लोग इधर साइड से बालकनी ओपन करते हैं, इधर साइड से मैंने बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ मैंने क्लोथ स्टैंड रख दिया है इस वजह से। और नोनी को लेके मैं गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, तो मैं लेके आई हूँ ये मतलब फल और सब्ज़ी, ये केले संतरे और मटर, सीज़न की पहली मटर, तो ये लेके आई हूँ मैं। मटर अब सस्ती होने लगी है, 60 रुपीज़ केजी है अभी, धीरे धीरे मेरे ख्याल से और सस्ती होगी। और सबसे पहले नोनी को मैं एग बना के खिलाती हूँ, और उसके बाद पालक पनीर बनाती हूँ, थोड़ा सा पालक और पनीर बचा हुआ था वो बनाती हूँ। और नोनी आ गया उधर, तो मैं एक्चुअली ना वो लेने गई थी कॉस्मेटिक की शॉप में गई थी, कॉस्मेटिक की शॉप बंद हो गई थी और मुझे काजल वाजल लेना था, तो शॉप ही बंद थी, कोई नहीं था वहाँ पे, तो इसलिए मैं वापस आ गई। और करीबन 7:30 बज रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, तो नोनी यहाँ पे खेल रहा है और टीवी का रिमोट पकड़ के कुछ ना कुछ छिड़खानी करता ही रहता है। यहाँ पे ना मैंने मूवी लगाई हुई थी, खाना बन ही गया था, बस रोटियाँ बनानी थी, और रोटी बनाने में अभी टाइम था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मूवी वगैरह देख ली जाए, क्योंकि इतना सारा काम हो रहा है उसके चक्कर में बैठने को नहीं मिलता है, थोड़ा सा बैठ के देख लिया जाए। लेकिन नोनी बैठने कहाँ देता है, इधर से उधर शैतानी करता रहेगा, कुछ ना कुछ उसको करना ही होता है, और उसके साथ मतलब वो कहता है कि उसके साथ खेलते रहो। तो इसके बाद हम करीबन 9:30 बजे आ गए हैं, अभी डिनर भी हो गया है, किचन भी क्लीन कर लिया मैंने, और इसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग पीते हैं एक एक कप गरम गरम दूध। तो सर्दी का टाइम है, दूध पिया भी जाता है, समर्स में उतना अच्छा नहीं लगता था दूध पीना, लेकिन आजकल थोड़ा ड्राई फ्रूट पाउडर डाल के और गुड़ के साथ मैं पी लेती हूँ, और मिस्टर रावत को भी मैं दे देती हूँ, तो ड्राई फ्रूट पाउडर ऐड करूँगी। नोनी सिंपल प्लेन दूध पिएगा, और जब से नोनी का दूध वाला ग्लास मैंने स्किप किया है ना, वापस से निप्पल वाली बोतल दी है, तो थोड़ा मतलब मेहनत कम लगती है, उसको दूध दे देती हूँ मैं, थोड़ा उतना तो नहीं पीता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितना हो सकता है उससे वो पी लेता है, और कम से कम मुझे इतना टाइम नहीं लगता उसको दूध देने में, और इतनी मेहनत भी नहीं लगती है। तो 9:30 बज गए हैं रात के, नोनी वहाँ पर व्लॉग देख रहा है हमारा, नोनी मेरा व्लॉग देख रहा है पापा के साथ मिलके, तो दूध गर्म कर दिया है, सब लोग दूध पियेंगे ड्राई फ्रूट पाउडर डाल के, और नोनी को प्लेन वाला मिल्क देती हूँ। उसके लिए ड्राई फ्रूट्स पाउडर मैं उसके खाने में मिला देती हूँ, जैसे दलिया हो गई, खीर हो गई और हलवा, इन सारी चीज़ों में मिला देती हूँ, और नोनी के बहाने दूध के बहाने हम लोग भी डाल के पी लेते हैं, क्योंकि वैसे तो खाया नहीं जाता है ना, बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता है। बादाम भिगो के खाना ना
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रेगनेंसी टाइम तक खाया है मैंने खूब सारा बादाम भिगो के, मजबूरी होती थी उन दिनों, लेकिन अब खाया नहीं जाता। तो चलिए सारे काम निपट गए, बस थोड़ा सा हॉल मैं ठीक ठाक समेट लूँ, उसके बाद जो है फिर सोती हूँ मैं। और अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको इंदौर के ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। आई नो कि सब लोग पिथौरागढ़ के ब्लॉग्स, हमारे घर को, हमारी फैमिली को, आरू को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, हम भी बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन मजबूरियाँ होती हैं जो इंसान को दूर तक ले आती हैं। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार आते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद द नेक्स्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स, तब तक के लिए बाय बाय।